हिंदुओं में जयंतियों को तो बड़ा शुभ माना जाता है, वहीं पुण्य तिथियों को कम तरजीह दी जाती है। रामायण को महाभारत से ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि रामायण में राम के जन्म की बात कही गई है, वहीं महाभारत में भगवान कृष्ण के जन्म का कहीं जिक्र नहीं है। ज्यादा मान सम्मान तो भागवत पुराण को दिया जाता है, जिसमें कृष्ण के जन्म का वर्णन मिलता है। दुनिया भर के हिंदू जन्म को शुभ और मृत्यु को मनहूस मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। दर्शकों, हिंदुओं के ज्यादातर त्योहार किसी भगवान के जन्म या किसी राक्षस के मरने के बारे में होते हैं। जैसे भगवान राम, कृष्ण और हनुमान के जन्म दिवस मनाए जाते हैं, वैसे ही दुर्गा माता के हाथों महिषासुर का मरना और भगवान राम का रावण को मारना भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। ईसाइयों और मुस्लिमों के त्योहार जरा अलग होते हैं, कई त्योहारों में तो मृत्यु को भी मनाया जाता है। यहाँ ईसाई जीसस क्राइस्ट के मरने का मातम गुड फ्राइडे के नाम से मनाते हैं, वहीं शिया मुस्लिम भी मोहम्मद साहब के दामाद के मरने का मातम मुहर्रम के नाम से मनाते हैं। हमारे वेदों में लिखा है, शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है तथा उसे छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाने का इंतजार करती है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परम चेतना को प्राप्त कर परमात्मा से मिलना है। जन्म के समय इसी परम चेतना को प्राप्त करने का अवसर हर आत्मा को ईश्वर प्रदान करते हैं, जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। यही मूल कारण है कि हिंदू धर्म में जन्म को शुभ और मृत्यु को मनहूस माना गया है। हमारे वेदों ने मृत्यु को जीवित प्राणियों के दुख के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना। वे प्राकृतिक आपदाओं, उम्र बढ़ने, बीमारी और उनके कारण होने वाली मृत्यु के सामने मनुष्य को असहाय मानते हैं। इसके अलावा वेद ये भी कहते हैं कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य भी नहीं। जब तक मनुष्य जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसा हुआ है, तब तक मृत्यु उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि वो मृत्यु ही है जो सभी में छिपी हुई है। वो मृत्यु ही है जो जीवन से भी पहले आ गई थी, और वो मृत्यु ही तो है जो सभी को नष्ट करके एक नया जीवन लेने का अवसर देती है। मृत्यु दुनिया का प्रवाह बनाए रखती है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाती है। हर धर्म के लोग वर्ष में कम से कम एक दिन गुजर चुके अपनों को याद करते हैं। हिंदुओं में ये पितृपक्ष के 16 दिनों में होता है, जब गुजर चुके लोगों के लिए कई तरह की रस्में की जाती हैं, पूजा की जाती है, घरों में कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन एक अंतर है, ईसाई धर्म और इस्लाम में माना जाता है कि मरे हुए लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है और अब बस उनका आखिरी फैसला होना बाकी है। वहीं हिंदू समाज के लोग नाश का कोई भी हिस्सा घर के अंदर या आसपास नहीं आने देते। वो हर चीज जो मुर्दे को छू जाए उसे अपवित्र और मनहूस मानते हैं। दूसरे धर्मों की तुलना में हिंदू रीति रिवाज मरे हुए लोगों से सबसे कम ताल्लुक रखते हैं, और ये भी तब जब हिंदू धर्म मौत के बाद पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। मित्रों, मौत कोई डरने वाली चीज नहीं, क्योंकि मौत हमें जकड़ कर रखती है, आगे बढ़ने से रोके रखती है। हिंदू परंपराओं में भूतकाल भूलकर आगे की तरफ ध्यान देना ही बेहतर माना गया है। तो दर्शकों, आज की इस जानकारी में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स YouTube चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज ऐसी सभी आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।